मुहर्रम अलहर्रम का आगाज़ होते ही मस्जिद अलहर्रम में गिलाफ़ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब मुनक़िद हुई। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ़ काबा मस्जिद अलहर्रम मुंतकिल कर दिया गया। 1300 किलोग्राम वजन गिलाफ़ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलाफ़ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया है। गिलाफ़ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयत कुरानी को कुंदा किया गया। गिलाफ़ काबा की तब्दीली के मौके पर मस्जिद अलहर्रम में हज़ारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे और वो इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा रहे। इससे कबल किंग अब्दुल अज़ीज़ कस्बा कॉम्प्लेक्स से गिलाफ़ काबा को मखसूस ट्रक से मखसूस रास्ते से मस्जिद अलहर्रम तक लाया गया। गिलाफ़ काबा को मस्जिद अलहर्रम के बैरूनी दरवाजे से मताब तक पहुँचाने के लिए मखसूस रास्ते का तायन किया गया था। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से गिलाफ़ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फ़नी तरबियत फराहम की गई, जिनमें गिलाफ़ काबा तैयार करने वाली फैक्ट्री के इंजीनियर्स और फ़नी शोबे के माहरीन शामिल हैं। बताया गया है कि इससे कबल कई दहाइयों से गिलाफ़ काबा कस्बा हर साल हज के दौरान 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को हुज्जाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। गुज़िश्ता 2 साल से गिलाफ़ काबा तब्दील करने की सालाना तकरीब अब हर साल 1 मुहर्रम को मुनक़िद हो रही है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश नौ न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।